जम्मू में आतंकी हमले के बाद मौके पर तलाश का काम तेज। भिम्बर गली के आसपास रोका गया ट्रैफिक। तलाशी के लिए ड्रोन की ली जा रही है मदद, कई टीमें तलाशी में जुटी। मौके पर पहुंची स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम, बम निरोधक दस्ते की टीम भी जांच में जुटी। तीन तरफ से घेर कर बरसाई गई थी गोलियां, ग्रेनेड दागने की वजह से ट्रक में लगी आग। 50 राउंड से ज्यादा की गई फायरिंग, आज 1 बजे के बाद एनआईए शुरू करेगी जांच। जम्मू के पुंछ में आर्मी ट्रक के हमले में बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर के रजौरी में सक्रिय जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद से आतंकियों ने इस वारदात को दिया अंजाम। प्रतिबंधित संगठन पीएएफएफ ने इस हमले के लिए जिम्मेदारी, हमले में लश्कर के मिले फुटप्रिंट। सूत्रों के मुताबिक रजौरी और पुंछ के रास्ते आतंकियों को पीओके से घुसपैठ की आशंका, जांच में जुटी एजेंसियों के पास मिली थी ऐसे इनपुट्स। जम्मू कश्मीर के अलग अलग सेक्टर के सामने पीओके के गांव में आतंकियों को इकट्ठा होने की थी आशंका। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को पीओके के गांव वालों ने बीच में छिपाकर रखने के पीछे आईएसआई की चाल, इन पर किसी भी सुरक्षा एजेंसी की नहीं पड़ी नजर।